एवरीबॉडी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप लोगों ने देखा पिछले व्लॉग में हम यहाँ से इस्लामाबाद आए थे, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं कश्मीर की तरफ। बहुत मज़े की चीज़ें होने वाली हैं, व्लॉग देखिएगा आगे, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे जहाँ जहाँ हम गए, तो चलते हैं। दूसरी भी ले ली बस। डैडी ने आज ऑरेंज पहना है, कल पिंक पहनेंगे, परसों पर्पल पहनेंगे। काम बहुत ज्यादा है, सारा काम मम्मा, निहाल का काम, एडी का काम, बच्चों सबका काम, हम सबका, सब आप ही कर रहे हो अकेले। हाँ जो बात है, कल रात की वीडियो है ये, शायद खाने की वीडियो नहीं है, जो बात है। अब रेडी हो गई हैं, आज का आउटफिट ये, शूज का है आपके, शूज, ये सारा हमारा नाश्ता है माशाल्लाह। आज हमने जो है वो केक, बिस्किट, चाय, चाय पड़ी है एडी, और पी लो, पीनी है तो नहीं नहीं, इन सब में और भी है, चाय रखी है, दोबारा लो मानसू, दोबारा लो। अच्छा जी, तो ये व्यू था हमारे होटल का जो कि इस्लामाबाद में था, और इस्लामाबाद वाकई बहुत अच्छी सिटी है, नो डाउट कराची से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और मुझे भी पर्सनली इस्लामाबाद का एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा लगा। अगर मुझे कोई चॉइस देगा कि मुझे कराची रहना है या इस्लामाबाद, तो शायद मेरा ऑप्शन इस्लामाबाद होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कराची से बहुत अच्छी हैं। बट चलिए आपको दिखाते भी हैं साथ साथ। बाय, इस्लामाबाद को बाय कर दो, बाय बाय। अली सर ने इस्लामाबाद को बाय बोला, आप भी कर दो प्लीज। ये केचप वेचप नहीं, बाय बोल दो। ओके गाइस, तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं पहले होटल से, वी आर ऑल रेडी, और हम बस यहाँ से जा रहे हैं। ये हमारा इंडेक्स होटल था और हमारा यहाँ पे स्टे हुआ था, उसके बाद अब जो है वो हम हमारी टूर की तरफ स्टार्ट हो रहे हैं। ये जो है वो हमारा टूर है, ये सारे हमारे लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ये हमारे टूर गाइड हैं इरफान भाई। अब मैं तो हूँ, ये क्या करा के लाई हूँ। चलिए भाई, तो अब सब रेडी हैं, तो हम यहाँ से अब निकलेंगे। रास्ते में आई गेस हम मनी पे भी रुकेंगे, लेकिन हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं कश्मीर आबशार के लिए, जहाँ आज हम खास करके जाने वाले हैं। कश्मीर आबशार अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारे साथ व्लॉग में रहिएगा, देखिएगा, कश्मीर आबशार बहुत अच्छी जगह है। ऐसे ऐसे मौसम इतना प्यारा होते जा रहा है माशाल्लाह से हमारी ट्रिप पे। अब हम उम्मीद करते हैं कि हर जगह हमें मौसम बस प्यारा मिले। ये सारा सफ़र हमने बहुत इन्जॉय किया, आपको तो हमने सिर्फ रास्ता दिखाया, लेकिन हमने इसमें बस में जो इन्जॉय किया है बहुत मज़ा आया है। अब आपको सारी चीज़ें डिटेलिंग आके दिखाएंगे, आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। अब हम यहाँ से मेरे ख्याल में मरी पर रुकने वाले हैं, तो फिर जब वहाँ रुकेंगे तब आपसे मिलते हैं। अभी हम यहाँ इस्लामाबाद से हम निकले हैं, और अब हम यहाँ पे मरी के लिए यहाँ से हम जा रहे हैं। फिर मरी में हम जाके आपको बताएंगे कि जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बता सकूँ, दिखा सकूँ कि हम क्या क्या कर रहे हैं, हम कहाँ कहाँ गए, हमने क्या क्या देखा, और आप लोगों को भी ज़रूर दिखाएँगे। कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाऊँ, लेकिन ऐसा होगा कि जैसे क्योंकि हम फैमिली के साथ आए हैं तो काफ़ी टाइम फैमिली के साथ गुजरेगा, लेकिन जहाँ जहाँ मैं शूट कर पाई मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं मरी और फिर मिलते हैं मरी से।
हसीन बारिश। अभी आप लोग देखिए, हम लोग यहाँ अब मरी में हम हैं, लेकिन आप यहाँ देखो बारिश कितनी हसीन हो रही है, इतनी खूबसूरत बारिश, माय गॉड। अभी तो हम आगे जाएंगे, अभी हम आपको आगे का मौसम दिखाएंगे, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। बहुत बारिश हो रही थी और बहुत हसीन मौसम हो रहा था, लेकिन अब हम थोड़े से और ऊपर आए हैं, तो हमारा ये ख्याल था कि हम जैसे जैसे ऊपर आएंगे तो ये मौसम और अच्छा होता जाएगा और बारिश और अच्छी होती जाएगी, लेकिन यहाँ पर हल्की हल्की धूप है और यहाँ गर्मी ज़्यादा हो गई है, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि शायद हम मौसम जो है और ठंडा हो जाएगा, लेकिन जितना हम ऊपर आए हैं उतना ये मौसम गर्म होता जा रहा है। अब यहाँ से हम आगे निकलते हैं, ये नीलम जैलम की ये जगह है, ये पॉइंट है, ये हमारा यहाँ स्टे है यहाँ थोड़ी देर का, फिर इसके बाद हम आगे जाएंगे, फिर बताते हैं आपको आगे क्या है। खाना खाने के लिए फैसिलिटीज़ है वो, यहाँ एक रेस्टोरेंट है जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खाना होता है उनका, और इस तरफ जहाँ से गाड़ी आती है इस तरफ इनका रेस्टोरेंट है, लेकिन कमाल की बात ये है कि खाना वो आपको नीचे पानी में सर्व करती है, वो देखिए। वाओ, जितने भी लोग आएंगे, जो भी फैमिलीज हैं, जो भी आएंगे, खाना यहाँ ऑर्डर होगा लेकिन मिलेगा यहाँ पर आपको, और इसका नाम है कराची होटल। ठीक है, तो ये जो कराची होटल के ऑनर हैं ये हमारे साथ खड़े हुए हैं, मैं इनसे बात करूंगी। आप ये यहाँ से खाना ऑर्डर करते हैं तो आप नीचे कैसे सर्व करते हैं? हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप लोग इतने दूर से आते हो, हम लोगों ने एक छोटा सा रास्ता बनाया है, इस वजह से बिल्कुल इजीली है, कोई मुश्किल नहीं होती। नहीं यहाँ तो कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। ये रास्ता ये उतर रहे हैं, ये पानी के अंदर इनका खाने का ऑर्डर है, हर चीज़ हम लोग इनको नीचे जाके देते हैं। आप बताइए, आपके रेस्टोरेंट में किस किस तरह के खाने होते हैं, क्या प्राइजेज आपने रखी हुई हैं? बच्ची, मेरे पास तो यहाँ की सबसे अच्छी जो चीज़ है देसी, वो ट्राउट फिश है दरिया की, उसके साथ कश्मीरी हांडी है, चूचा है और चिकन पकौड़ा है। आप खाएंगे, चूचा चरगा टाइप होता है, उसको मैं हाफ डन ऑयल में बनाता हूँ, फुल डन तंदूर पे लगा के लीमो दही हरी मिर्ची लगा के फिर तैयार होता है। और जो चीज़ भी आप खाएंगे इंशाल्लाह आप कराची भी जाके याद करेंगे कि वाकई हम लोगों ने कोई चीज़ खाई। कढ़ाई चढ़ाई है आपके पास? कढ़ाई भी होती है, कश्मीरी हांडी हमारी स्पेशल है, वो मिट्टी के बर्तन में तैयार होती है, काली और हरी मिर्च में बनाते हैं बस। आपके होटल का नाम बताइए, कराची होटल, थोड़ा लोकेशन भी समझा दें। और आप उस साइड, वो सामने अपने लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, ब्रिज है, मैं सोहला ब्रिज इसका नाम है, और वो सामने कश्मीर आ जाता है, और ये जो छोटा पुल है ये बस यहीं से नीचे लेफ्ट पे आपका रेस्टोरेंट, ठीक है, कश्मीर है, और ये के पी के में है। आप लोग अभी इस टाइम नीलम पॉइंट के पी के में खड़े हैं आप। और सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊँ, मैं इस वक्त पाकिस्तान के एक ऐसे कोने पे खड़ी हुई हूँ जहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड पे जो है खैबर पख्तूनख्वा है, राइट साइड पे पंजाब है, और बिल्कुल सामने कश्मीर का एंट्रेंस का गेट है, बिल्कुल सामने है, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल मेन बिल्कुल सेंटर में इनके खड़ी हुई हूँ, और जो है अभी हमने आपको जिसके बारे में अभी बताया, यहाँ का खाना ज़रूर खाएँ, पानी में बैठ के खाना खाएँ, यहाँ पर देखिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे झील बनी हुई है, फिर मिलते हैं आगे मस्जिद ऊपर जाके। तो अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम यहाँ से आगे जा रहे हैं कश्मीर आबशार की तरफ, और वहाँ पे एक बहुत मज़े की चीज़ है कि आपने चेयरलिफ्ट पे ही आगे जाना होता है, चेयरलिफ्ट अगर आप नहीं उस पर जा रहे तो आप आगे नहीं जा सकते आबशार तक। तो अब आप बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ देखने वाले हैं, हम कैसे उस चेयरलिफ्ट से कश्मीर आबशार तक गए।
यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी जो आप खरीद के लोगों को गिफ्ट कर सकते थे, बैग वगैरह, कपड़े जो कि हैंडमेड थे, लोगों ने अपने हाथों से खुद बनाई हुई चीजें थी। और यहाँ का टिक्का बहुत मजे का था, यहाँ खास करके लोग टिक्का बहुत ज्यादा ऑर्डर कर रहे थे। और अभी आप देखेंगे हमारे टेबल पे बहुत सारी चीजें हमने मंगाई थी। ये देखिए हमने यहाँ पे फ्राइज़ मंगाए थे जो कि बेसन वाले थे, इसके अलावा चिकन टिक्का था जो कि मैंने आपको बताया कि बहुत मज़े का था। ज़रूर जाएं जब कश्मीर आबशार, वहाँ का टिक्का ज़रूर खाएं। और साथ हमने वहाँ पे बन कबाब भी मंगाया था। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो छोटी मोटी बीच में हम थोड़ा बहुत खा रहे थे। अब हम यहाँ से चलते हैं हमारे नेक्स्ट जगह की तरफ जो कि हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे, तो नेक्स्ट ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, हमें बताएगा आप और कैसे ब्लॉग देखना पसंद करते हैं। सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। थैंक यू।